मेरा नाम राजेश जाजू, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ। मेरा बेसिक सॉफ्टी थिक्शेक इसी का कंसेप्ट है। यहाँ आने के बाद मुझे कुल्फी की रेसिपी और हार्ड आइसक्रीम का पूरा सेटअप किस टाइप से बनाना सीखना, ये मुझे आने वाले दिनों में काम आएगा। मुकेश सर, संदीप सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया और पूरा लैब का बेसिक से आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग का पूरा बेसिक अच्छे से समझा के दिया हम लोगों को, और साथ में सभी 20 लोगों ने भी हमको अच्छे से कोऑपरेट करके एक फैमिली एटमॉस्फेयर, हमको कई 3 दिन को ये नहीं लगा हमको कि भाई हम लोग अहमदाबाद आए, सब अलग अलग कंट्री के, अलग अलग सिटी के, तो एकदम फैमिली से ऐसा ये हुआ है। जो ट्रेनिंग का 3 दिन का पार्ट रहा है, क्या ऐसा आपको सबसे मोस्ट पार्ट लगा है कि एज ए मैन्युफैक्चरर में अब तक अगर शायद पहले सीख लेता तो मेरे बिजनेस के मामले में थोड़ा सा मैं कुछ नहीं कर पाता। लैब का बहुत इम्पोर्टेंट था जो डे टू डे के लिए, ये छोटी सी चीज़ थी लेकिन वो प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा ये था। उसी के अंदर लैब अपना करते हैं तो उसके अंदर अपना प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है, उसका वो बहुत अच्छा सीखने को मिला है। बाकी चीज़ तो थी लेकिन जो कैलकुलेशन और लैब, ये बहुत प्रायोरिटी और मेजर थे। बाकी तो दूर दूर हर जगह मिलता है लेकिन ये बेसिक वो अच्छा से सीखने को मिला है। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में कि जहाँ जाकर के वो सारी चीज़ें एक ऑथेंटिक वे में सीख पाएँ, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आकर के आप अपने नीड के हिसाब से चीज़ें सीख पाएंगे? नहीं, आइसक्रीम फील्ड बहुत पिछले, मैं 30 साल से ही फील्ड में हूँ, जो 30 साल में जितना बिजनेस ये होना है, पिछले 3 साल लॉकडाउन के टाइम से और अभी पूरा नया जनरेशन पूरा आइसक्रीम डेजर्ट्स इसी के सब फास्ट फूड आइटम पे काफ़ी है, तो हर सिटी में अपना अपना ब्रांड, अपना अपना क्वालिटी, अपने कस्टमर जो है वो बनते ही है, तो इसमें नया जनरेशन काफ़ी आ रहा है और आना भी चाहिए। सिर्फ उनको किस टाइप से काम करना है, अपने पार्लर्स के हिसाब से या बड़े यूनिट में जाना है, वो थोड़ा उन्होंने देख के उनके कैपेसिटी और उनके इसके हिसाब से वो करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लेबोरेटरी वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, तो आपने जो यहाँ लेबोरेटरी का पार्ट सीखा है, ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो लेबोरेटरी यूज़ करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट उनको? नहीं, लेबोरेटरी यूज़ किए तो उसको उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे 100% भरोसा रहेगा कि मेरा प्रोडक्ट 100% सेटिस्फाई निकला है लेबोरेटरी यूज़ करने से, तो वो बहुत प्लस पॉइंट है। और प्रोडक्ट नुकसान नहीं होएगा, जो वरुण ने बताया कि भाई नुकसान होता था तो वो नुकसान बच जाएगा बेसिक से। 3 दिन की ट्रेनिंग को अगर आप अपने वर्ड्स में समराइज करना चाहेंगे तो किस वे में कर पाएंगे, तो आपको कौन सा समझ आएंगे? 3 दिन की ट्रेनिंग बोले तो बहुत मुझे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जबकि मैं बहुत ये हूँ। मुकेश सर, आपने जो हॉस्पिटलिटी और जो हम लोगों को जो सर्विस और जो एक अपनापन दिया है और जो हम लोगों ने उसमें से काफ़ी सीखा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दो शब्द मिस्टर संदीप के लिए। संदीप सर ने हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा के बताया, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स बोले हैं, जो भी हमने उनको क्वेरीज पूछे, उन्होंने हमको अच्छे से पूरा समझाया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।